आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत कर रहे हैं आपके साथ रेंज के बारे में। जी हाँ, रेंज की टॉपिक आज की हमारी है कि किस तरह से हम रेंज पे वर्क करते हैं, किस तरह से रेंज को हम हैंडल करते हैं, ये आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमने बताया था VBA प्रोग्रामिंग में बेसिकली चार मेन ऑब्जेक्ट होते हैं, जिसमें हमने पहला बताया था आपको एप्लीकेशन, दूसरा बताया था आपको मैंने शीट्स, और तीसरा बताया था हमने आपको रेंज। हाँ, तीसरा शीर्ष था, चौथा हमारा रेंज था, राइट सर। तो अब हम वही आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं कि हम रेंज को कैसे हैंडल करेंगे। हमने आपको एप्लीकेशन को बोला कि फिलहाल हम धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे, उसके बाद हमने आपको वर्कबुक को अच्छे तरीके से पढ़ा दिया, हमने इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स भी किए, फिर हमने आपको शीट्स को पढ़ाया, शीट्स के ऊपर ही प्रोजेक्ट किया। अब बारी आती है रेंज का। अब रेंज की कॉलिंग मेथड को समझते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे मैंने किसी इस पे कर्सर रखना है, तो इसके लिए हम क्या कोड लिखेंगे, यहां लिखेंगे रेंज A1 डॉट सेलेक्ट या एक्टिवेट, दोनों सेम है। सेलेक्ट वन एंड मोर देन वन के लिए होता है, एक्टिवेट सिर्फ सिंगल के लिए होता है, राइट सर। इसमें आगे बढ़ते हैं कि इसमें एक तरीका और भी है, पंजा लिखेंगे सेल्स, और सेल्स में हम यहां पे देंगे 1,1 डॉट सेलेक्ट, ये R1C1 रेफरेंस स्टाइल कहलाता है, R1C1 रेफरेंस स्टाइल, मतलब कि रो 1 एंड कॉलन 1, एक तरीका आपके सामने है। उसके बाद एक आता है एक्टिव सेल, जिसपे हमारा कर्सर है, और दूसरा होता है सिलेक्शन। ओके, सिलेक्शन। अब एक्टिव सेल और सिलेक्शन में क्या अंतर है? अभी कर्सर हमारा A1 पे है, तो फिलहाल हमारा A1 जो है एक्टिव सेल भी है और सिलेक्शन भी है, लेकिन जैसे हम एक एरिया को सिलेक्ट करेंगे तो यहां पे देखिए B2, यहां B2 दिख रहा है, B2 इज द एक्टिव सेल और सिलेक्शन हो गया B2 से लेके F8। तो सिलेक्शन होता है मोर देन वन से, और वन सेल एंड मोर देन वन सेल, बट एक्टिव सेल सिंगल सेल होता है। अब सिलेक्शन की बात आती है, तो अभी आपने बोला रेंज A1 डॉट सिलेक्ट, तो जो आपका एक्टिव शीट्स है उसको सिलेक्ट कर लेगा, एक्टिव शीट विल बी सिलेक्टेड, राइट लेकिन मैं चाहता हूं कि C2 के A1 को सिलेक्ट करें, C2 A1 डॉट सिलेक्ट, तो यहां पे देंगे हम रेंज A1 डॉट सिलेक्ट, तो ये गलत होगा। इससे पहले हमें उस पर्टिकुलर शीट को एक्टिवेट करना होगा कि शीट्स, और यहां पे हम शीट की जो कॉलिंग मेथड होती है उसको डालेंगे कि C2 डॉट सेलेक्ट, शीट टू डॉट सेलेक्ट, रेंज A1 डॉट सेलेक्ट हो, समझ में आ गया। लेकिन ये आपकी एक्टिव फाइल की, अब आपका बुक टू एक अनदर फाइल है, उसको करना है, यहां पे लिखेंगे हम वर्क बुक्स, और यहां पे लिखेंगे बुक टू डॉट xlsx डॉट एक्टिवेट। ओके, तो पहले बुक टू को एक्टिवेट करेगा, देन C2 पे आएगा, फिर A1 को सिलेक्ट करेगा, नहीं ठीक है, उसको आपको 1x1 ही लिखना पड़ेगा, क्लियर है। आगे बढ़े, अब जरूरी नहीं कि तीनों लाइन लिखना ही है,
अगर आपको ऐसा लगता है कि एक्टिव सीट के बुक टू पे जाएगा, मतलब कि इस माइक को रन करते समय हमारा बुक वन ओपन होगा, बुक टू ओपन होगा, हमारा बुक टू हमारा एक्टिवेट होगा, तो उस केस में आपको जो है इसको करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ले सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सेम सीट के वन पे जाना है तो भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इसको सीधे इसको कर सकते हैं, राइट। तो यहां पे डायरेक्ट ही कर सकते हैं, लेकिन ये डिफाइन हो कि हाँ पर्टिकुलर पे ही जाना है तो हम तीनों सीट का यूज करेंगे। अब किसी सेल पे कुछ टाइप करना हो तो कैसे होगा, तो यहां पे टाइप करने का कोड है कि रेंज ए वन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 20, हमने नंबर डाला तो डायरेक्ट डाल दिया, लेकिन जरूरी नहीं है, अगर टेक्स्ट होगा तो क्या डालना होगा, जैसे नेम होगा तो इन्वर्टर को हमें डालना होगा। जरूरी है कि हम वैल्यू ही करें, हम सीधे ए वन या बी वन कर देता हूँ, बी वन डॉट डॉट नहीं लगाता हूँ, डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे रॉल, हम डायरेक्ट भी लिखेंगे तो वैल्यू चला जाएगा, या फिर हम लिख सकते हैं रेंज यहाँ पे सी वन डॉट फार्मूला। अब ध्यान रखिएगा कि वैल्यू हो फार्मूला या कुछ भी ना हो, डालते समय कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी से रिसीव कर रहे हो, जैसे मुझे D1 से चाहिए तो आपने यहाँ लिखा A1, जो रिसीवर है वो पहले आएगा कि A1 dot value is equal to range D1 dot value। तो यहाँ पे अगर D1 पे फॉर्मूला होगा फिर भी आप देखेंगे इसकी जो रिजल्ट 50 है वो 50 को लिखेगा, फॉर्मूला को नहीं लिखेगा, रिपीट, फॉर्मूला को नहीं लिखेगा। लेकिन मैं यहां पे करूं कि रेंज ए वन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू रेंज रेंज जी रेंज डी वन डॉट फॉर्मूला डॉट फॉर्मूला। तो आप यहां देख पा रहे हैं ना सर, अब क्या होगा कि इसकी फॉर्मूला जाएगी, दिख रहा ना सर, यहां पे जाएगा इक्वल 20 प्लस 30। अब बात करते हैं कि मुझे सीट ए वन पे जाके डालना है तो आप जो है इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वह बुक टू के सीट वन में और यहां हम वैल्यू डाल देते हैं। कॉपी एंड पेस्ट। लेकिन इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि यहां पे कि सीट्स सीट्स में सीट टू या जो भी कॉलिंग मेथड हो, रेंज ए टू डॉट डॉट वैल्यू इक्वल टू 50 जो भी देना चाहते हैं, और आप फाइल का नेम है तो पूरा फाइल का लिस्ट दे सकते हैं। तो प्रॉपर्टी को मेंटेन कर, प्रॉपर्टी को डालने के लिए वैल्यू प्रॉपर्टी होती है ना, आप डायरेक्ट लाइन लिख सकते हैं, ठीक है, बट कोई एक्शन करना है, माउस मूवमेंट करना है तो आपको इस मेथड से चलना होगा, समझ गया, डाउट इसमें, ओके। तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए।